कबीर की साखी। ऐसे बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखिया माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पड़ी पड़ी जुग मुआ पंडित भया न कोई, अकय अखीर पीव का पड़े सो पंडित होए। हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीर की साखी का अर्थ। ऐसे बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो, साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इन बातों से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो कण कण में स्वयं बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण के नाभि में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन दवाइयां बनाने में होता है और ये बहुत महंगा होता है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखिया माही। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग किया है। वह कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होई। जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कोई शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़ अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिना सावण पानी बिना
निर्मल करे सुभाई। प्रस्तुत पाठ कबीर के साखी की इन पंक्तियों में संत कबीर दास जी के अनुसार जो हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा पास रखना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांधे रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाली व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बचें। इस प्रकार हम बिना साबुन और बिना पानी के खुद को निर्मल बना सकते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया ना कोई, ऐके अखिर पीव का पड़े सो पंडित होई। प्रस्तुत पाठ कबीर के साखी की इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होना भी अति आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोहमाया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोहमाया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोहमाया के बंधन से मुक्त करेंगे। धन्यवाद।